आर्थराइटिस बेसिकली इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एज. ये किसी भी एज में शुरू हो सकता है. ऐसा नहीं है कि ओल्ड एज में होगा तभी आर्थराइटिस होगा. जॉइंट प्रॉब्लम्स आज के टाइम में दे आर वेरी कॉमन बिकॉज ऑफ मोस्ट कॉमन जो आज के टाइम का ट्रेंड आया है इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन इनडोर्स. हम सब दिन के 20 घंटे अंदर ही रहते हैं. सन एक्सपोजर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है और अगर होता भी है तो या तो हम कार में होते हैं या बस में होते हैं या ट्रेन में होते हैं. तो डायरेक्ट सनलाइट को एक्सपोजर ना तो आज किसी के पास टाइम है बैठने का और ना ही आज का लाइफस्टाइल उसे हमें अलाउ करता है. इससे जो है हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी का जो सिंथेसिस नॉर्मली होता है वो रुक जाता है और हमारे विटामिन डी लेवल्स धीरे 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 डाउन होते जाते हैं. उससे हमारे बोन्स का कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लूज़ होने लगता है. हमारी बोन्स, हमारे जॉइंट्स, जॉइंट्स की कवरिंग वो सब वीक होने लगते हैं. इसलिए आज के टाइम में देर इज़ नो एज रिलेटेड ट्रेंड कि ओल्ड एज में ही आर्थराइटिस होगा. इट इज़ कॉमनली सीन इन यंग पीपल एज वेल.